तो आप पत्रकार हैं आपकी शादी हुई है कि नहीं आपके बच्चे हैं सिंदूर क्यों नहीं लगाया बिंदी क्यों नहीं लगाई हुई है और अगर इतना बुरा भरा परिवार वालों को बोलते कि पता नहीं कौन ऐसा है जो ऐसे अपनी महिलाओं को छोड़ दिया चलो ऐसा करते हैं मैं आपको अभी कितना मिलता है आपको हज़ार रुपये मिलता है मैं आपको दो हज़ार देता हूँ आप अचार पापड़ का काम कर का 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 लीजिए या हमारे घर में किचन का काम कर का 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 लीजिए बहुत अच्छी और आप सेफ भी रहेंगे और आपका काम भी चलेगा ग्रामीण भारत में रहने वाली महिलाएं और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की कहानियों को एक विशेष लेंस से देखा जाता है खासकर जब बात विकास और सुधार की आती है लेकिन तब क्या होता है जब कहानी के सूत्रधार वही होते हैं जिनके बारे में कहानियां होती है। क्या समाज उन्हें उसी नज़रिए से देखता है जिससे वे खुद को देखते हैं या दोनों में अंतर है हमारे कॉन्वर्जेशन सीरीज इम्पैक्ट डायलॉग्स के सफर में हमने उन चेंज मेकर से बात की है जो समाज में विकास लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आज हमारे साथ जुड़ी है खबर लहरिया की मैनेजिंग एडिटर मीरा देवी जो ग्रास रूट्स को रिप्रेजेंट करते हुए अपने काम के द्वारा समाज में विकास एवं सुधार लाने की कोशिश कर रही है खबर लहरिया भारत का पहला एवं एकमात्र विमेनलैंड डिजिटल रूरल मीडिया नेटवर्क है जो न सिर्फ महिला संबंधी मुद्दों पर रोशनी डालता है पर उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है और इसे डिजिटल बनाने का श्रेय कई हद तक मीरा देवी को ही जाता है भारत के सात राज्यों में 50 मेंबर से ज्यादा की टीम के साथ मीरा देवी हाइपर लोकल कंटेंट बनाती है जो हर महीने कई डिजिटल नेटवर्क्स की मदद से डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और सैकड़ों महिला रिपोर्टर्स को इंडिपेंडेंट और इम्पावर्ड बनाने में मदद करता है तो आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं वेलकम मीरा देवी जी थैंक यू मीरा जी जितना हमने खबर लहरिया के बारे में पढ़ा है उसे समझा है हमने जाना है कि उसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण यानी वेमेंस है और मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट ग्रास रूट्स और इंडिपेंडेंट ये उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या है वो जो उसके स्पिरिट को उसके जज्बे का बयाँ करते हैं बहुत ऐसे महिलाएं जो कभी स्कूल में गई नहीं हैं उन्होंने कभी स्कूल की पढ़ाई नहीं की है ऐसी महिलाओं को हमने शुरुआत की खबर लेरिया में लाने के लिए क्योंकि खबर लेरिया का उद्देश्य ये है कि जहाँ पर महिलाओं को हमेशा से पीछे किया गया हर क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में उनको मौके के क्षेत्र में राजनीति तो बहुत बड़ी बात है बहुत दूरी है और जहाँ पर बात आती है आ, मीडिया के क्षेत्र में तो आ, ऐसी महिलाओं को समाज में आगे लाना उनकी शिक्षा को मजबूत करना आर्थिक रूप से मजबूत करना और जानकारी के रूप में मुख्यधारा से जोड़ना खबर लेरिया का मुख्य उद्देश्य रहा है इसलिए बहुत सारी महिलाओं को इस क्षेत्र में ला करके उनको हर तरह से मजबूत किया हुआ है कहते हैं ना कि बदलाव तभी मुमकिन है जब हर व्यक्ति हर जेंडर हर क्षेत्र से इसको सहयोग करें मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंस में आपको जिन जिन लोगों से बात करने का अवसर मिला है वो महिला संबंधी मुद्दों को कैसे देखते हैं और मेन और वेमेन के इश्यूज को देखने और उनको समझने और उन पर रिएक्ट करने क्या उसमें अंतर है हाँ बहुत बड़ा अंतर है आ, मुझे लगता है कि महिलाओं के क्षेत्र में काम करना और ऐसे कि महिलाओं को आगे लाने के लिए जो भी लोग काम करते हैं चाहे वो महिलाएं काम कर रही हों चाहे पुरुष काम कर रहे हों वो अपने को आ, ऐसे लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उनको ऐसे लगता है आ, महिलाओं के बीच में जागरूकता फैला देना कह देना कि आपको पढ़ाई करनी है आपको लड़कियों को पढ़ाई करना है उनको जॉब करने के लिए बाहर निकालिए उनको उनके जो हक और अधिकार हैं जिन पर अब बहुत अभी हाल ही में ये आ, महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा अभी ही समाप्त हुआ उस पर बहुत बात होने लगती है और लोग जाकर के महिलाओं के बीच में काम करते हैं तो काम तो ऐसे करते हैं और ये दिखाने के लिए कि हम महिलाओं के ही तैसे हैं इसलिए काम करें उस ग्रास रूट में जा कर के उन लड़कियों को जो लड़कियां आज भी घर के अंदर हैं आज भी पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके गांव में स्कूल नहीं है पाँचवी तक है पाँचवीं के बाद वो पढ़ नहीं सकती हैं क्योंकि शहर बहुत दूर है और ये भी है कि आ, उनके माँ बाप के से पास इतना पैसा नहीं है कि वो लड़कियों को पढ़ा सके या फिर वो सोच डाल सके कि अगर आपके घर में एक लड़का है तो उसको आप शहर भेज करके पढ़ाई करा देंगे लेकिन वहीं पर अगर लड़की है पांचवी के बाद उसके शादी करना है उसको अपने उसको ससुराल भेजना है क्योंकि उसको घर के ही काम करना है उसको बच्चे ही पैदा करना है उसको खेती का काम ही करना है खेती संभालना है तो ये वाली सोच ये बदलाव क्यों नहीं बदलता है इसके लिए कब काम करेंगे आप सिर्फ ऐसे ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जो थोड़ा-थोड़ा मुखधारा से जुड़े हुए है लोग हैं लेकिन उन लोगों के बीच में काम करिए उन पर वो सोच डालिए मैं आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार हेल्प करती है कि सरकारी स्कूल में पैसा तो नहीं लगता है कि आपको पढ़ाई करना है लेकिन शहर जाने के लिए तो पैसे चाहिए ना उसके लिए भी आप जागरूक करिए या कुछ करिए लेकिन काम आप करें ऐसा नहीं है लेकिन हकीकत उसके पीछे कुछ और ही है तो उस पर भी बहुत काम करने की जरूरत है आपके क्षेत्र में जहाँ आज भी लड़कियाँ संघर्ष कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए पढ़ने के लिए वहाँ पे हम थोड़ा आपके बारे में और जानना चाहेंगे कि कैसे आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की आप खबल लहरिया में एक न्यूज़ एडिटर के रूप में आई थी और आज आप मैनेजिंग एडिटर के पद पर है आपकी जर्नी हम सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग है पर इसकी शुरुआत कैसे हुई मेरे पापा को जो परिवार के लोग थे वो कहने लगे थे कि तुम्हारे पास तो इतनी सारी लड़कियां हैं अब थोड़ा इनको मतलब शादी करना शुरू करो क्योंकि सबको तो निपटाना है तो कहाँ तक ऐसे पढ़ाते रहोगे तो उन्होंने ऐसे बात करना शुरू कर दिया रिश्ते आने लगे पाँच जब मैं पढ़ रही थी तब से मुझे याद है उसका पहले का तो मुझे नहीं याद है तो मैंने थोड़ी अपनी मम्मी से बात करी मेरी मम्मी से कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है तो ऐसे सोचा जाता है ना लड़कियां पास तक पढ़ लें और उसके बाद वो सिर्फ पढ़ना लिखना जानने लगें थोड़ा बजट बनाए अपने किचन का और घर का बजट बनाना सीख लें कुछ चिट्ठी आए तो उसको पढ़ सकती हैं कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ सकती हैं ऐसा करके यही सोच होती है बहुत लोगों में अभी भी ये सोच है अभी नहीं बदला है ग्रास रूट में भी अभी यही है मैं अपनी मम्मी से जब बात करी कि मुझे पढ़ना आगे तो मेरी मम्मी ने पापा से बात करी तो पापा ने बोला कि ठीक है तुम पढ़ लो लेकिन जो रिश्ते आएंगे उनसे हम थोड़ा ऐसे बात करेंगे मेरी मम्मी ने भी यही बोला कि आ, उनसे कहेंगे कि हमारी बेटी पढ़ना चाहती है तो शादी तो हो जाएगी लेकिन पढ़ती रहेगी वो पढ़, और यही शर्त होगी वो जो लोग ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो पढ़ाएंगे उन्हीं के यहाँ शादी करेंगे चलो कहीं से तो राह दिखे <laughs> तो मैंने कहा ठीक है भाई वैसे तो और मेरी जो सहेलियाँ थीं उन सबकी शादी हो रही थी तो इसलिए उनको लगा कि नहीं उनको भी शादी करना है और मैं उनको आज ऐसे ही कहती नहीं कुछ सोची ऐसे थी तो तो मैं जब सातवीं पढ़ रही थी तो मेरी शादी हो गई थी मैं बारह या तेरह साल मेरी एज रही होगी तो जब मैं हाई स्कूल करी और मैं मेरे स्कूल में ये आ, पहला एक हिस्ट्री में कोई लड़की फर्स्ट क्लास पास हुई थी तो ये मेरे टीचर के लिए और मेरे स्कूल के लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा और मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब प्लस पॉइंट ये हो गया था अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तो मैं तो मेरे टीचर को मैंने बोला कि ना मुझे आगे पढ़ना है और तो मैं और मैंने अपने ससुराल और दोनों फैमिली से बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है तुम पढ़ो लेकिन मेरे मायके के लोगों ने कहा कि वो अब थोड़ा पैसों से सपोर्ट कम करेंगे क्योंकि उनकी और भी लड़कियाँ हैं तो अब ससुराल के लोग थोड़ा ज़्यादा इसमें आ, काम करें कि ज़्यादा पैसा दें लेकिन ससुराल बीच बीच में जाना आना होने लगा तो जब मैं बारहवीं में थी तब मेरी एक बेटी हो गई थी मुझको आ, फिर अब एक बच्चा भी और पढ़ाई भी और फिर मुझे जब आगे में पढ़ना था मुझे मैं इंटर करी और इंटर के बाद फिर ये हुआ कि आ, आगे की पढ़ाई भी करना है और ऐसे सोच थी कि मैं इतना पढूंगी कि कोई परिवार में मेरे घर में अब तक मैं कोई पढ़ा नहीं होगा और लड़की तो दूर दूर तक भी नहीं पढ़ी होगी ऐसी सोच थी जब ग्रेजुएसन करने का आया तो कोई आ, मेरा एडमिशन करने के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं था पर किसी तरह से मैंने महनती करी और मैंने ग्रेजुएशन में आ, अपना एडमिशन तो करा लिया लेकिन मैं कभी कॉलेज नहीं जा पाई क्योंकि बच्चा था तो आ, जब एग्ज़ाम होते थे तभी मैं जाती थी एग्ज़ाम देने के लिए वरना घर में रह करके ही पढ़ाई करती थी तो फिर जब मैं सेकेंड ईयर कर रही थी ग्रेजुएशन उस समय मुझे पता चला घोर लहरिया में शॉप के लिए तो मुझे बस ऐसे लगता था कि मैं अपनी पढ़ाई खुद में अपने ही कमाई से करूँगी अपने ही पैसे से करूँगी तो मुझे बहुत तलाश थी कि मुझे कोई भी काम करना पड़े क्यों ना मैं ईटा जाकर के मजदूरी का काम करूँ लेकिन मैं अपनी पढ़ाई के लिए जरूर से काम करूँगी पैसे मैं लाऊँगी तो फिर मेरे लक ने साथ दिया और मैं खबर ले रही मैंने अप्लाई किया और मैं सिलेक्ट हो गई तो मैं भी स्टिंगर के रूप में हुई और फिर ये तो मेरा तय हो गया कि मैं अब अपनी पढ़ाई तो अपने बूते कर सकती हूँ फिर मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया फिर फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ये अपनी ही आ, कमाई से और मैं थोड़ा अपने मायके और ससुराल की फैमिली से दूर रहने लगी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इन सब के बीच में रह करके पढ़ाई और जॉब करूँगी तो शायद मैंने नहीं तो मैं मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे हम सब थोड़ा दूर रहने लगे तो संपादक बनी मैं पत्रकार के बाद सीनियर पत्रकार फिर संपादक बनी फिर जब हम डिजिटल हुए तो फिर अब मैनेजिंग एडिटर हूँ मैं जैसा कि आपने बताया कि आप पहले स्ट्रिंगर थी और स्ट्रिंगर का ज़्यादातर समय फील्ड पर ही बीतता है और फील्ड पर जाने के लिए आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फील्ड वर्क के दौरान कुछ भी हो सकता है वहाँ के हालात बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होते हैं तो आप कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जहाँ आपने ऐसे अनप्रडिक्टेबल माहौल में भी कहानियाँ अला के लोगों तक पहुँचाई है एक गांव था गोपरा करके गांव है नरेनी ब्लॉक पड़ता है बांदा ज़िले में वहाँ पर मैं और मेरी एक सहकर्मी में दोनों लोग हम गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए किसानों की प्रॉब्लम्स को लेकर के कि नहर नहीं आई हुई है तो खेतों के लिए पानी नहीं है तो हम जा रहे हैं गांव में किसानों को सुनने के लिए उनकी बाइट्स करने के लिए तो जब हम गए थे तो हम देख रहे थे कि दो व्यक्ति हैं जो एक ऐसे व्यक्ति को सहारे के साथ लेके चल रहे हैं जो बहुत बीमार लग रहा था बहुत दूर से तो हमको लगा कि हम पता करते हैं कि ये क्या है तो हम गए फिर हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो आ, बहुत बीमार हैं और वो इलाज करा के आ रहे हैं छतरपुर ज़िले के नए गांव में टीबी स्पेशल अस्पताल है वहाँ से इलाज करा करके आ रहे हैं तो आ, फिर हमने उनसे उनकी पूरी कहानी जानी और फिर बहुत सारे लोग आ गए भीड़ जमा हो गई तो उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात थोड़ी नहीं है हमारे घर में भी ऐसे लोग हैं उनको भी खांसी आती है फिर तीसरा कहता फिर चौथा कहता फिर मतलब वहाँ पे बहुत लोगों ने कहा लोगों से बात की हमें पता चला कि ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनको सेम लक्षण जो उस व्यक्ति को थे उसके हिसाब से उनके घर में तीन तीन चार चार लोगों की मौत हो चुकी है लोगों को जागरूकता नहीं है एक तो डांस कार्यक्रम के बारे में जो टीवी के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है और बहुत सक्सेसफुल है हम क्योंकि आ, हमने जब काम किया उसमें और हमने लोगों को लाभ दिलाया तब पता चला कि हाँ ये कितना सक्सेस है आशा से बात करी वहाँ पर फिर हम वहाँ का जो सी था वहाँ पर आए और वहाँ पर बात किया नरेनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है वहाँ पर बात करी और फिर इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट आए और डिस्ट्रिक्ट में फिर हमने सी एम से बात करी तो ये बात तो हो गई तब हम प्रिंट होते थे तो वो प्रिंट हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया और उसमें हमने लिखा कि एटीबी से एक परिवार के इतने लोगों की हुई मौत तो जब वो अखबार और वो फ्रंट हेडलाइन थी फर्स्ट पेज पर थी तो लोग तो सॉक्ट रह गए प्रशासन में गया अधिकारियों के पास गया तो मतलब वो बहुत शौक और तुरंत आर्डर हुआ भाई देखो ये कौन है खबर ले रहा है? और कौन मतलब इतना ऐसे लिख रहा है कितने लोगों की मौत हो गई है और स्वास्थ्य विभाग मतलब एक तरह की पूरे ज़िले में हालचल मर गए सब हड़बड़ हड़बड़ हो गए तो ये हुआ उन्होंने जांच करी जो भी किया फिर हम उसके फॉलोअप के लिए गए तो जब हम फॉलोअप के लिए गए तो हमने फिर वही प्रोसेस किया कि हमारा काम ही होता लोगों से बात करना विभाग से बात करना अधिकारियों से बात करना तो हम जब लोगों से गए तो लोगों से बातचीत हुई कि कहाँ तक पहुँचा ये मामला आ, अब ठीक हुए कि नहीं हुए फिर हमने प्रधान से बात करी फिर हमने वहाँ की आशा से बात करी तो जो प्रधान और आशा थे उनका रवैया हमें ठीक नहीं लगा उन्होंने मतलब कि हमें बहुत गलत तरीके से बोला कि अरे तुम हमारे गांव को बदनाम करके रख दिया है बोलते हो कि टीबी के मरीज़ यहाँ पर हैं इतने सारे और कहाँ है कौन है आप डॉक्टर थोड़ी नहीं आपको पता थोड़ी नहीं ऐसे बहुत बातें हुई फिर हम जब सी गए तब भी वैसे ही हमारे साथ हुआ कि कहाँ पर हैं मरीज़ और आप आपने क्या चेकअप किया है कोई जांच किया है तो आपको पता है कि टीबी के मरीज़ हैं और ये हुआ है जब हम डिस्ट्रिक्ट गए तब भी ऐसे ही हुआ और हमारा जो विजिटिंग कार्ड था वो ले लिया गया और आईडी कार्ड जमा करा लिए गए बोले सेमो ने बोला कि मैं इसकी जांच कराता हूँ कौन है खबर लहरिया आज यहाँ पर जो इतने बड़े बड़े अखबार हैं उन्होंने कभी तो लिखा नहीं है इस तरह से और आप कौन होते हों क्या हमारी जो डॉक्टर टीम है उससे आप, आप मिले हैं उससे जाना है कि यहाँ पर हैं ये वो बहुत कुछ बहुत बवाल हुआ हमें बहुत डराया धमकाया भी गया उस समय की हम देखते हैं क्योंकि हम सच थे तो हमने कुछ नहीं कहा हमने कहा ठीक है आप विजिटिंग कार्ड ले लो आप आईडी कार्ड ले लो आप जांच करा लो जो भी करना है आप कर लीजिए पर अंदर से थोड़ा सा हम डर लग रहा था हम अपना रिव्यू कर रहे थे कि सही में हम डॉक्टर तो नहीं है लेकिन हमने लिख दिया कि टीबी के मरीज यहाँ पे हम गए उस समय डीएम के पास वहाँ पर तब उनसे हमने बोला कि ऐसी ऐसी बात है सर और उन्होंने ऐसा ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ और जो भी होगा वो उसका रिजल्ट फिर हम देखेंगे क्या होता है फिर उन्होंने जांच कराई सही में वहाँ पर कैंप लगाया और वहाँ पर हर घर में मरीज निकले टी के और कैंप लगा के फिर जांच हुई फिर उनका इलाज बहुत दिन तक चलता रहा जिन लोगों से हम मिले थे उनका हमने फिर से फॉलोअप किया डाट्स कार्यक्रम के तहत लोग ठीक हुए ठीक हो करके वो काम करने के लिए दोबारा से चले गए क्योंकि वहाँ पर पलायन बहुत होता है लोग शहर में जा कर के जॉब करते हैं काम करते हैं तो बहुत लोग ठीक हुए और फिर बाद में फिर हमको आ, आ करके अधिकारियों ने हमको शौरी बोला और उन्होंने कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई लेकिन वो चाहते हैं कि अगर इस तरह के जो गांव हैं वहाँ हमें ज़रूर से बताएं ताकि हम वहाँ पे अच्छे से काम कर पाए <laughs> तो इस तरह से रहा और बहुत सारी कहानियाँ हर रोज़ मतलब अगर आप चुनौती की बात करें तो एक तो कि हम महिला हैं फिर रिपोर्टर हैं फिर हम ऐसी जगह पे जॉब करते हैं जहाँ पर महिलाओं की ये जॉब ही नहीं मानी जाती है रिपोर्टिंग करना फिर उन जगह पर काम करना जहाँ पर कि दसीवल का है बहुत पावरफुल लोग बहुत राजनीतिक लोग हैं इस तरह के मुद्दे पर अगर आप बात करते हैं उसके अगेंस्ट बात करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो आपकी तरफ हर तरह से आकर के आपको चुनौती देते हैं और महिलाओं का पत्रकारिता के क्षेत्र में के लिए सबसे बड़ी चुनौती चुनौती हो जाती है है तो बहुत भरा आप अभी कह रहे थे कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं उन्हें लगता है कि महिला है तो क्या ही कर रही होगी तो कोई ऐसी कहानी आप हमें बताएंगे जहाँ पे आप लोगों से बात करने गए जानने गए कि क्या हो रहा है और लोगों ने आपको सहयोग ना दिया हो देखिए ये प्रिंट के ज़माने की बात है 2015 से तो हम टेक्नोलॉजी हुए थे तब से हमारा थोड़ा अलग तरह का हो रहा है मैं आपको पहले का ही ज़्यादा बताऊंगी कि जब शुरुआत हुई थी खबर एरिया की और हम लोग जाते थे गांव में रिपोर्टिंग करने के लिए बातचीत करने के लिए तो लोग हमको रिपोर्टर नहीं मानते थे क्योंकि कभी उन्होंने महिलाओं को रिपोर्टर देखा ही नहीं है या तो वो कहते थे कि वही समूह की महिलाएं हैं जो ये चलते हैं बचत समूह चलते हैं तो वहाँ की महिलाएं हैं पता नहीं बैग टांग के उठा के चले आती हैं इनके आगे पीछे कोई है भी कहीं नहीं है इनका परिवार है बच्चे हैं कि नहीं है तो ऐसे लोग बात करते हैं और हम क्यों आपको बताएं कोई खबर यहाँ पर बड़े बड़े रिपोर्टर हैं वो तो कभी गांव में दिखते नहीं हैं आप कौन इतनी ऐसी पत्रकार हैं कि आपको गांव तक आना पड़ता है रिपोर्टिंग करने के लिए हम तो नहीं मानते हैं आपको रिपोर्टर हमें लगता था जो लोग बात करना जिनकी प्रॉब्लम्स है वो जरूर बात करेंगे और जिनको नहीं करना है जिनकी प्रॉब्लम्स नहीं है वो नहीं बात करेंगे ऐसा हम करते थे और ऐसा नहीं है कि हर हर लोगों का यही रवैया होता था कुछ लोग बहुत अच्छे से बात करते थे बताते थे पर कुछ लोग थोड़ा सा ऐसे ही महिला होने के नाते ऐसे ही बात करते थे और फिर जब हम प्रशासनिक स्तर पर जाते थे तो वहाँ पर जो अधिकारी होते थे वो बोलते थे कि पहले तो सुनते ही नहीं थे महिलाओं से क्यों वो बात करें क्योंकि हमेशा पुरुष ही आगे आगे होता है हर क्षेत्र में तो उनको भरोसा ही नहीं होता था तो कभी अगर मिल भी जाते तो आकर के बैठ के बातें करते कि अच्छा तो आप पत्रकार हैं आपकी शादी हुई है कि नहीं आपके बच्चे हैं सिंदूर क्यों नहीं लगाया बिंदी क्यों नहीं लगाई हुई है और अगर इतना बुरा भरा परिवार वालों को बोलते कि पता नहीं कौन ऐसा है जो ऐसे अपनी महिलाओं को छोड़ दिया है चलो ऐसा करते हैं मैं आपको अभी कितना मिलता है आपको हज़ार रुपये मिलता है मैं आपको दो हज़ार देता हूँ आप अचार पापड़ का काम का का कर लीजिए या हमारे घर में किचन का काम का कर लीजिए बहुत अच्छी और आप सेफ भी रहेंगे और आपका काम भी चलेगा या फिर अगर बहुत हुआ तो फिर बोलते थे कि अभी नहीं कल आइएगा फिर कल नहीं परसों आइएगा फिर नहीं रात में आइएगा इसका मतलब समझते हैं आप मतलब आप समझ रहे हैं मैं भी समझ रहा हूँ लेकिन उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उस तो क्षेत्र में हमें फिर से जाना फिर से बात करना उस जगह पर उस व्यक्ति से दोबारा से जाना ठीक है तो हम वापस जाते थे अगर वो दस बार बुलाते तो हम दस बार भी जाते लेकिन हाँ जो हमें बात करना वो हम कह के करके ही आते और फिर भी अगर उन्होंने बात नहीं करी है तो जो उन्होंने बोला है वही हम अखबार में लिख करके और फिर वही अखबार उनको दे आते थे कह लीजिए पढ़ लीजिए आपने ही तो बोला है तो वो सॉफ्ट रह जाते थे कि अरे ये क्या है ये सही में कुछ तो है जो अभी अब हमें सतर्क रहना पड़ेगा तो इस तरह से कुछ हुआ है कि धीरे धीरे उनका बदलाव आ, हुआ है और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि जो अधिकारी हैं वो खबर लहरिया के क्वेश्चन से उनका सामना करने से डरते हैं उनको लगता है कि अरे उनको कभी खबर लहरिया का सामना ना करना पड़े उनके सवालों का जवाब ना देना पड़े तो इस तरह की स्थिति <laughs> पहले रिपोर्टर ही नहीं मानते थे अब डरते हैं आप सब लोगों से <laughs> हमने डराया नहीं है ये उनकी हुआ है कि वो डरते हैं हमने कहते हैं आप डरिए बस हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए सीधी सी बात है पूरा संघर्ष किया है आपने अपनी पहचान बनाने के लिए हाँ। आ, मैं अगर यहाँ पे बोल रही हूँ बैठ के या अगर और भी बड़े मंचों में जा कर के बोलती हूँ विदेशों में जाकर के बात करती हूँ तो उसका यही है कि मैंने इतने साल जा करके फील्ड में काम किया हुआ है इसलिए मुझे इतना अनुभव है मुझे भी बहुत डर लगता था लोगों के बीच में बात करना आ, मेरे होंठ हिलने लगते थे बहुत डर लगता था पता नहीं कुछ बात गलत ना निकल जाए लेकिन आज वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया है मैं बात कर पा रही हूँ यहाँ पर तो इस तरह से है हमारी बहुत सारी महिलाएँ हैं जो जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा है उन्होंने घर में पढ़ाई करके और आज धापा रिपोर्टिंग करती हैं गाँव <laughs> अगर आप हमारे क्षेत्र में जाएं तो अगर कोई विश्वसनीय पत्रकारिता है भरोसा है तो वो सिर्फ खबर लेहरिया के ऊपर है उनको लगता है कि जो रिपोर्ट खबर लेहरिया करेंगे वो कोई और नहीं कर सकता है दो में जब लॉकडाउन हुआ पूरा देश तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इतना सारे लोग हमको जानते हैं लोगों ने इतना हमको ढूंढा मतलब ऑनलाइन ऑफ़लाइन लोग हमको क्योंकि हमने एक खैर हमने एक नंबर भी डाला हुआ था कि जिनको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो वो हमको संपर्क कर सकते हैं इतने लोगों ने संपर्क किया हमको बोला कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं हमारे घर में खाना नहीं है हमें दवा नहीं है हम आ नहीं पा रहे हैं तब हमें समझ में आया कि अरे इतने सारे लोग हमको जानते हैं और वो हमको कह रहे हैं कि हमारी मदद करिए जब पूरा देश बंद था जब हर लोगों को कहा जा रहा था कि दूरियां बना के रखिए कोरोना है वहाँ पर जाकर के रिपोर्टिंग करना और जब कहा जा रहा था कि आप अंदर रहिए जब लोगों की जॉब चले गए थे नौकरियां चली गई थी वहां पर हम बाहर निकल करके और ज्यादा रिपोर्टिंग और ज्यादा हमारा काम तो दस गुना उस समय बढ़ गया था मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया तो कि लोगों की जॉब चली गई सड़कों पर रोड पर लोग चल रहे हैं बच्चे को दूध नहीं है माँ किस तरह से अपने बच्चे को लेकर के पैदल चल रही है ट्रॉली में लेके अपने बच्चों को चल रहे हैं ऐसी तस्वीर तो दिखाई लेकिन ये तस्वीर नहीं दिखाई कि जो वहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है या फिर वो गांव चले गए अपने घर चले गए वहाँ पर क्या स्थिति है उनके खाने को नहीं है उनको दवाई नहीं है जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो लड़कियाँ हैं उनके जो प्राइवेट जरूरतें हैं उनका क्या जैसा कि आपने बताया कि आप सत्रह साल से खबर लहरिया के साथ जुड़ी हुई हैं और हमने चुनौतियों के बारे में भी बात की पर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको आपकी टीम को और खबर लहरिया को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए देखिए जब लोगों को प्रॉब्लम्स जो होते हैं उन पर हम काम करते हैं उन पर कई बार ही तो उनको जो चीज़ वो चाहते हैं वो मिल जाते हैं उससे बड़ी चीज़ हमारे लिए कुछ नहीं है हम उसी को ही अपना सक्सेस मानते हैं कि अगर किसी आ, महिला को आ, एम्बुलेंस नहीं मिला हुआ है डिलेवरी के समय या उस गांव में विकास नहीं है हैडपम्प नहीं है या फिर किसी महिला की बात जो सुनी नहीं जा रही है राजनीति में वो अपनी बात रखना चाहती है लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जा रही है भले ही वो सरकार तक प्रशासन तक नहीं पहुंच रही है लेकिन जो एक गांव में दबी हुई है उसको लाना लोकतंत्र से जोड़ना मेन स्टेज से जोड़ना अगर ये हो रहा है तो इससे बड़ी हाँ और क्या हो सकता है हम इसीलिए काम करते हैं मैं कहती हूँ ना जब भी मैं यूनिवर्सिटियों में जाती हूँ बात करने के लिए वो पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए हम कहते हैं आप शहर की रिपोर्टिंग नहीं करिए बहुत लोग हैं वहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आप ग्रास रूट में जाइए जिनको सच में पत्रकारिता का काम करना यही है मेन यही काम है कि आप उस जगह पर सरकार को ले जाइए नज़र सरकार की ले जाइए जहाँ पर उनकी नज़र जाती नहीं है जहाँ पर सच में काम करने की ज़रूरत जहाँ पर सच में रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है जिन आवाज़ों को सच में निकालने की ज़रूरत है वहाँ पर आप काम करिए यहाँ पर बहुत लोग हैं 2006 की बात है मैं बाना में रिपोर्टिंग कर रही थी कोई लड़कियाँ कभी नहीं दिखती थी रिपोर्टिंग के क्षेत्र में तो कभी नहीं मैंने देखा है लेकिन आज मैं देखती हूँ कि हर जगह लड़कियाँ रिपोर्टिंग करते हुए दिखती हैं माइक लिए हुए दिखती हैं भले ही उनका काम कैसा भी है लेकिन फिर भी बाहर तो आई हैं लड़कियाँ रिपोर्टिंग तो कर रही हैं पढ़ाई तो कर रही हैं मैं अपनी अगर बात करूँ अपने घर से जहाँ पर मेरे पापा ने बोला था कि पाँचवी के बाद पढ़ाई नहीं करनी है आज मेरे घर की मेरी जो छः बहनें छः में से तीन की हमारी शादी हो गई तीन अभी हैं तीन में से जो चौथे नंबर की मेरी बहन है और पाँचवें नंबर की बहन है वो बी से कर रही हैं और टीचर की जॉब की तैयारी कर रही हैं उम्र हो गई है पच्चीस छब्बीस साल की हैं जो सबसे छोटी मेरी बहन है वो पी की तैयारी कर रही है एंट्रेंस की तैयारी कर रही है मेरी खुद की जो लड़कियां हैं कॉलेज में हैं दोनों एक सिंगर बनना चाहती है एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है तो इस तरह से ये बदलाव इसीलिए आया हुआ है आज उनको कोई ये कहने वाला नहीं है कि तुमको पढ़ाई करनी है तुम ना पढ़ो तुम्हारी शादी करनी है ये कहने वाला नहीं है कि अब तुम इसके बाद नहीं पढ़ोगे ये पूछने वाला नहीं है कि जो खर्च हमने पैसा दिया हुआ उसको तुमने कहाँ पे लगाया उसका हिसाब दे दो आज जो मेरे ससुराल मायके के लोग हैं वो हर निर्णय में मुझे शामिल करते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं कैसे होगा जो कभी तवज्जो ही नहीं दिया जाता है महिलाओं को पूछा ही नहीं जाता है आ, तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं जो अब मुझे भी खुद में गर्व महसूस होता है मेरे पापा तो हम ऐसा लोगों से बोलते हैं कि मेरी बिटिया हवाई जहाज से चलती है <laughs> तो मैं अपने पापा को बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है मैं हमेशा चलती हूँ पर कुछ मौके होते हैं जब मैं चलती हूँ तो आप ऐसा ना बोला करिए कि हवाई जहाज से चलती है इससे अच्छा <laughs> क्या होगा कि जब हमारे पिता हम पे गर्व कर रहे हैं <laughs> इससे बड़ा अचीवमेंट किसी के लिए कुछ नहीं कभी अपने गांव जाती हूँ दोनों मैके जाऊँ या ससुराल जाऊं लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है बहुत ऐसे बात करते हैं मेरे जो फादर इन लॉ है वो बहुत गर्व करते हैं मेरे पर मेरे सारे परिवार के लोग बहुत ऐसे हैं घर परिवार दूर दूर के लोग कहते हैं अरे हमारी बिटिया भी चली गई होती मेरे सहेलियों के मम्मी पापा बोलते हैं अरे हमारी बिटिया कहाँ पे फंस के रह गई ससुराल में ही वो भी चली गई होती तो कितना अच्छा होता तो <laughs> आप सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं मीरा जी और आपकी बातों से ये भी पता चल गया कि कैसे खबर लहरिया महिला सशक्तिकरण को प्रमोट कर रहा है और क्यों हम मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहते हैं सो थैंक यू मीरा जी thank you, thank you. आपकी कहानियाँ जज्बा और जर्नी ने ना सिर्फ हमें हमारी ऑडियंस को भी बहुत इंस्पायर किया है थैंक यू आज मीरा देवी से बात करके हमें समाज के उन पहलुओं के बारे में पता चला है जिन पे शायद पहले इतनी रोशनी नहीं डाली गई थी इस लैंडस्केप में जहां महिलाएं आज भी ढूंढ हैं अपने आप को साबित करने के लिए वहां पर मीरा देवी जैसी महिलाएं प्रेरणा जो ये साबित कर रही है कि अगर डिटर्मिनेशन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है हम भविष्य में मीरा देवी जैसे चेंज मेकर से जुड़ना चाहेंगे ताकि हम और इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके सामने ला सके और समाज को सशक्त बनाने के इनिशिएटिव को और मजबूत कर सके स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट एपिसोड